हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बिहार एसआई ज्ञान बिंदु सर के प्रैक्टिस सेट का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले वाला वीडियो में 1 से 50 तक करवा चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हाँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? पहला है ऑप्शन अमनानंद घोष, बी है जेपी जोशी, सी है बीवी लाल, डी है बीके थापर। तो अमनानंद घोष, बीवी लाल और बीके थापर जो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है, लेकिन जेपी जोशी वो धौलावीरा के उत्खननकर्ता से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। फिर 52 चलते हैं। 52 है सुन्नेतवाद दर्शन संबंधित है। तो सुन्नेतवाद दर्शन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 53 कहता है अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है साधुता, बी है पवित्रता, सी है स्वनियंत्रण, डी है जन कल्याण। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वनियंत्रण, यानी सी, 53 का सी। ठीक है। और जो साधुता, पवित्रता और जन कल्याण है, ये अशोक के धम्म के गुणों को बताता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 54। 54 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। दूसरा है उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। तीसरा है इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तीनों, यानी कहने का मतलब 1, 2, 3, यह इसका आंसर तीनों सही है। फिर 55। 55 कहता है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई थी। तो मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा, पहला है मंदसौर, बी है ग्वालियर अभिलेख, सी है ऐहोल अभिलेख, डी है देवपाड़ा अभिलेख। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। ठीक है। और जो मंदसौर अभिलेख है वह जो है यशो वर्मन के उपलब्धियों की चर्चा हुआ था। ठीक है। और ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है, जो चालुक्य वंश का शासक था। उसके बाद है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख जो बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन के उपलब्धियों का चर्चा किया गया है। 56 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया था, भारत में सर्वप्रथम इक्ता कौन चलाया था? इसका ए है इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा आपको मोहम्मद गौरी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का प्रथम इक्तेदार था, और इल्तुतमिश जो है वो इक्तेदार व्यवस्था का व्यापक पैमाने पर विस्तार किया था। यानी इल्तुतमिश जो है व्यापक पैमाने पर इक्ता प्रणाली का मतलब कि क्या किया था, विस्तार किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का प्रथम इक्तेदार था। ठीक है। अब चलते हैं 57। 57 कहता है कि हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? अताउल्ला हंसत, बी है हंसपत राय, सी है मिर्जा गैस बेग, डी है उस्ताद दिशा।
तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मिर्ज़ा गियास बेग, यानी सी। ठीक है, और जो अताउल्लाह तथा हंसपत राय है वो बीवी के मकबरा का, कहने का मतलब अताउल्लाह और हंसपत राय बीवी के मकबरा का शिल्पकार थे। ठीक है, और जो उस्ताद उस्ताद ईसा जो है वो ताजमहल का रूपरेखा तैयार किए, मतलब ताजमहल का रूपरेखा तैयार किए थे। अब उसके बाद है 58। 58 कहता है कि निम्नलिखित को उसके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बाजीराव, फिर सेकंड है बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ माधव राव। तो इसका आंसर होगा आपको 58 का सी, यानी 3-1-2-4, यानी पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधव राव, यानी इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी। उसके बाद है कोलाचेल का युद्ध कब हुआ, तो कोलाचेल का युद्ध हुआ 1741, और ये हुआ था त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डचों के बीच हुआ था। इसमें मार्तंड वर्मा का विजय हुआ था। तो कोलाचेल का युद्ध 1741 में हुआ, जिसमें डच को हराकर मार्तंड वर्मा जीते थे। 60 है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर संधि में हुआ था। जो लाहौर संधि 1846 में हुआ, और जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, लाहौर की संधि 1846 में हुआ। उसके बाद है 61। 61 कहता है भूमकाल विद्रोह को नेतृत्व करता कौन था, तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता ए है गुंडाधुर, बी दल भूम कैलापाल, सी ढोलका, डी बारा भूम। तो इसका आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। 62 है असत्य विकल्प को चुने, ए है विमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रमाबाई, बी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केबी हेडगवार, सही है, खुदा खिदमतगार अब्दुल गफार खान, ये भी सही है, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन होगा, ए विमेंस इंडिया एसोसिएशन का पंडित रमाबाई नहीं है, इसका लेडी सदाशिव अय्यर है, यानी विमेंस इंडिया एसोसिएशन का लेडी सदाशिव अय्यर है। ठीक है, और जो पंडित रमाबाई है वो आर्य महिला सभा की स्थापना किए थे। 63 है 1944 में गांधी जी ना वार्ता के असफल होने का आधार था, ए बेबेल योजना, बी भारत का विभाजन, सी सीआर फार्मूला, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सीआर फार्मूला। उसके बाद है 64। 64 कहता है 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है भूमि संबंधी विवेचना, बी है टकसाल संबंधी सुझाव, सी है शिक्षा का विकास, डी है पुलिस कार्य पद्धति पर विचार। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का विकास। 65 है चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, भंगा भावरा हबीबपुर इनमें से कोई नहीं, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा में हुआ, और इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है, और जो भंगा जो है भंगा पंजाब में पड़ता है, और यहाँ पे जन्म हुआ था भगत सिंह का। भगत सिंह का जन्म हुआ कब हुआ था, 1906
1907 में, और जो हबीबपुर है, हबीबपुर में खुदीराम बोस का जन्म हुआ, जो बंगाल में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। कब हुआ था इनका जन्म? 1889 में। उसके बाद है 66। 66 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। बी है, दूसरा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। सी है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो 1 और 2, ये दोनों गलत है। तीसरा सही है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कहने का मतलब बी आंसर होगा। उसके बाद है एना 67। एना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो एना जलप्रपात आपको गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। एना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता है, और बाकी जो सब नदी है वो डेल्टा बनाती है, यानी नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, यानी ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अब चलते हैं 68। 68 कहता है, असत विकल्प को चुने। कुंडा परियोजना कुंडा नदी, गंगा सागर परियोजना गंगा नदी, सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी, और कोयना परियोजना कोयना नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पे नहीं है, ये चंबल नदी पे है। तो गंगा सागर परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 69, 69 कहता है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 70 है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये आपको सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये आपको चंडीगढ़ में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या जो है दिल्ली में है, और पुदुचेरी जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघ शासी यानी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ही है, ठीक है। उसके बाद है 71। 71 कहता है NH-53 किसको जोड़ती है? तो NH-53 दिल्ली से चेन्नई, संगरूर से अंकोला, जोरावाट से सिलिंग, हजीरा से, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपको हजीरा से पारादीप, यानी 71 का डी। और जो दिल्ली से चेन्नई है वो NH-48 को जोड़ता है, और संगरूर से अंकोला ये आपको NH-52, और जोरावाट से सिलिंग ये NH-6 को जोड़ता है। उसके बाद है 72। 72 कहता है कि मक्का में वाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में वाइट बर्ड रोग ये जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। अब उसके बाद है 73। 73 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है, यानी कोसी का सहायक नदी नहीं है। पहला है खोन नदी, लिखू नदी, इंद्रावती, सुन कोसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खोन नदी, ठीक है। और जो ये सब जो है कोसी की सहायक नदी है, लिखू, सोन, इंद्रावती, सब कोसी का सहायक नदी है। और खोन का जो सहायक नदी है, खोन नदी जो है राम गंगा की सहायक नदी है, यानी खोन नदी राम गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अब है 74। 74 है, निम्नलिखित दर्रों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम बोले तो एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा, अवरोही मने बड़ा से छोटा,
ठीक है, तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेन कोटा। तो पहला हो जाएगा इसका भोरघाट, फिर उसके बाद थालघाट, उसके बाद पालघाट, तब सेन कोटा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, 1, 3, 4। जो भोरघाट है, भोरघाट की ऊंचाई जो है 630 मीटर है, और तालघाट की ऊंचाई जो है 580 मीटर, और पालघाट की ऊंचाई जो है 305 मीटर, और सेन कोटा इसका है 280 मीटर। अब है 75। 75 है असत विकल्प, निम्नलिखित कहाँ गया? 75 निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? ए वेल्ड, बी डाउन, सी प्रेयरी, डी स्टेपी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वेल्ड। वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में है, और डाउन जो है डाउन ऑस्ट्रेलिया में है, और प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका, और स्टेपी मध्य एशिया में पड़ता है। अब उसके बाद है 76। 76 कहता है असत विकल्प को चुने। कंपनी है और फिर सहायक देश है। पहला बाल्को सोवियत संघ, दूसरा नाल्को फ्रांस, सही है। सी माल्को इटली, ये भी सही है। इंडाल्को नहीं, इंडाल्को जो है कनाडा का है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडाल्को कनाडा का है, ठीक है। और जो यूएसए का है वो है हिंडाल्को, यूएसए का हिंडाल्को। 77 है रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड। तो रियांग जनजाति का संबंध जो है त्रिपुरा से है। उसके बाद है 78। 78 है ढकनी किस राज्य की नृत्य है? तो ढकनी जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश, यानी कहने का मतलब बी। 79 है कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो मरुभूमि जो है आपको 66, 67 नहीं, 77, हाँ 77 और 78, यानी 1977 से 78 के बीच मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब है 81। 81 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। दूसरा कहता है युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी 81 का ये दोनों गलत है, कहने का मतलब डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 82 है संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यानी 82 का राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, जी वी मावलंकर, पट्टाभि सीतारमैया। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी के एम मुंशी। 83, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 7, 8, 9, 11। तो ये आपको है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 जो है नागरिकता, किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कीजिएगा तो अपना खुद अपना देश का नागरिकता खो दीजिएगा, मैंने समाप्त हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, सानिया मिर्जा जो पाकिस्तान में शादी की हैं शोएब मलिक से, अगर वो आर्टिकल क्या बोलते हैं, अगर वो पाकिस्तान की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा आर्टिकल 9 के, मैंने अनुच्छेद 9 के नियम से, ठीक है। अब उसके बाद है 84। 84 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? 84 का आपको हो जाएगा
पहला है जर्मनी, कनाडा, जापान, रूस। इसका आंसर हो जाएगा आपको कनाडा। उसके बाद है 85। 85 कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। पहला है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। हाँ, इसका आंसर ए होगा, यानी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। बाकी ये तीनों गलत है। उसके बाद है भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है, यानी भारतीय संविधान का दर्शन जो है निहित होता है। पहला मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। 87 है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है, सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की मात्रा को बदलना, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना, डी है कुछ समय के लिए सजा को टालना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सजा की मात्रा को बदलना। 88 है महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो पहला 6 65 वर्ष, यानी 6 साल या 65 वर्ष, और बी है 4 4 साल या 62 वर्ष, सी है 5 साल या 62 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है। और महाधिवक्ता का आर्टिकल 165 में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 165 में वर्णन किया गया है। उसके बाद है 89। 89 है 221 संबंधी, यानी आर्टिकल 221 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, फिर है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के स्थानांतरण से, सी है संसद द्वारा न्यायाधीश के वेतन व भत्तों से। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। डी डी क्या कहता है, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के कार्यकाल, ये भी गलत है, यानी गलत है, तीन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों की। ठीक है, अब है 90। 90 90 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। पहला संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245-63, संघ राज्य के अधीन 308, 323, सी है प्रकीर्णन। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन 369 से 392। और प्रकीर्णन जो है आपको भाग 19 में, प्रकीर्णन भाग 19 में है। 91 91 कहता है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह एक प्रशासनिक पद होता है, यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, डी है सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है। उसके बाद है नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना वर्ष है 1969, 86, 2010, 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। फिर है मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया, 2004, 5, 8 और 13। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2013। शास्त्रीय भाषा 6 हैं, 6 हैं, वो इनका नाम है आपको तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ है ना, उड़िया और संस्कृत। तो मलयालम जो है, मलयालम संस्कृत शास्त्रीय भाषा 2013 स्थापना हुआ, ठीक है, दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर 94, राष्ट्रपति की संस्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 84 नहीं, 44वें, 52वें, 42वें, इसका आंसर हो जाएगा आपको 44वें। फिर है 95, भूरिया समिति का गठन हुआ था। तो भूरिया समिति का गठन, पहला अनुसूचित जाति के अध्ययन के लिए, ग्राम सभा के सही क्रियान्वयन हेतु, या फिर अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
96 से 100 तक मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ हम बता देते हैं, जो भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बनाकर हम एक और वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो 96 का जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको एक, यानी कहने का मतलब ए होगा। 97 का डी, और 98 का डी, और 99 जो है 99 का आपको हो जाएगा ए, और 100 का सी। क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बनाकर सोल्व कर कर भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।